हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक पार्ट नंबर सेकंड लेके आई हूँ आपके लिए अप्रैल 2021 करंट अफेयर्स का, और हम इसमें करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट डेज विद थीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि थीम क्या थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की। तो इसकी थीम थी डेटा फॉर बेटर लाइव्स। अब देखिए, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, वाशिंगटन डीसी में। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज़ करता है। तो रिलीज़ की जाती है बाय वर्ल्ड बैंक, और इसके वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, वाशिंगटन डीसी में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओल्ड व्हीकल्स इन इंडिया एज पर द रिसेंट रोड मिनिस्ट्री डेटा। अब देखिए, इंडिया में एक रोड मिनिस्ट्री जो है उसने एक डेटा रिलीज़ किया है, और उस डेटा में बताया गया है कि वो कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ओल्ड व्हीकल्स पाए गए हैं, पुराने जो व्हीकल्स हैं वो पाए गए हैं। तो वो स्टेट है कर्नाटका, और कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। अब देखिए, जो हमारे मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, वो हैं नितिन गडकरी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रसीना डायलॉग इज़ अ फ्लैगशिप ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। अब देखिए, ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी रसीना डायलॉग, ये ऑर्गेनाइज की गई थी, और कौन सी कंट्री के द्वारा? इंडिया के थ्रू। अब इस रसीना, जो ये रसीना डायलॉग है, इसका 6th एडिशन अभी रिसेंटली हुआ, अप्रैल 13 से लेके 16 तक ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। अब देखो, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो मिनिस्टर हैं वो हैं एस जयशंकर। तो इसमें आप ये ज़रूर याद रखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये ऑर्गेनाइज की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। सो नेक्स्ट वन इज़, विच कंट्री इज़ टू लॉन्च राशिद अनमैन्ड रोवर टू द मून बाय नेक्स्ट ईयर। अब देखिए, एक रोवर जो है राशिद, वो मून पे भेजा जाएगा, ठीक है, उसको लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। अब ये कौन सी कंट्री इस राशिद रोवर को है वो लॉन्च कर रही है? यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, ठीक है। अब देखो, इस रोवर का जो नाम है राशिद, वो किस बेसिस पे रखा गया? क्योंकि जो शेख राशिद थे वो फॉर्मर रूलर थे यूएई के, तो उनके नाम पे इस रोवर का नाम जो है वो रखा गया राशिद। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है, एक्सरसाइज खंजर विच इज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अब देखिए, एक एक्सरसाइज खंजर है जो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जाती है, तो वो करवाई जाती है किर्गिस्तान के साथ। अब ये न्यूज़ में रिसेंटली इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली इसका 8th एडिशन जो है वो हुआ किर्गिस्तान में, ठीक है। तो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ किर्गिस्तान में, और किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, जहाँ पे इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर धमरा ऑन विच अ रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए, जो रिवर धमरा प्रोजेक्ट है ये इसमें रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, और ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है उड़ीसा में, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो है वो है ₹110.60 करोड़। और इसमें देखो, बेनिफिट क्या होने वाला है स्टेट के लोगों को, जैसे कि वाटरवे रोडवे के थ्रू जो ट्रेवल टाइम लगता था वो लगता था 6 आवर्स का टोटल टाइम, ठीक है, यानी कि 6 घंटे। अब वाटरवे के थ्रू लगेगा सिर्फ 1 घंटे का टाइम, ट्रेवल टाइम, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने सेंक्शन किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए ₹50.30 करोड़, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें 50% जो है वो इन्वेस्ट करेगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर हैं वो हैं मनसुख लक्ष्मण बाय मांडविया, ठीक। नेक्स्ट वन इज
सेवेंथ क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. अभी रिसेंटली न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं और वो बने हैं सुशील चंद्रा. अब ये आप ये ज़रूर याद रखिए कि ये 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं इंडिया के. अब 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो थे सुनील अरोड़ा. Next one is, which zone of Indian Railways has become the first zone in the country to be completely electrified? अब देखो Indian Railway में कौन सी ऐसी जोन है जो first zone बन गई है जो completely क्या है electrified zone है, तो वो बन गई है West Central Railway Zone. अब ये जो West Central Railway Zone है इसके headquarters हैं जबलपुर मध्य प्रदेश में, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की 2003 में. नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट अन्नपूर्णा. अब फर्स्ट इंडियन वुमेन जो हैं वो कौन बन गई हैं जिन्होंने रीच किया माउंट अन्नपूर्णा में, अन्नपूर्णा में. तो माउंट अन्नपूर्णा में जो रीच की हैं इंडियन वुमेन वो हैं प्रियंका मोहिते, और माउंट अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में है. अब माउंट अन्नपूर्णा की टोटल हाइट है 8091 मीटर, ठीक है. और जो प्रियंका मोहिते हैं वो बिलोंग करती हैं महाराष्ट्र से, सतारा से, और ये 28 इयर्स एज इनकी रिसेंटली है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु चेयर्ड द मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल. अब देखो एक नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और देखो ये नॉन ऑफिशियल एक टाइप से एक काउंसिल बनाई गई है जिसमें ऑफिशियल मेंबर्स भी हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हैं, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं पीयूष गोयल. अब पीयूष गोयल इसको इस मीटिंग को चेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसको जो हैंडल करेगा वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्ट्री को तो हैंडल करते हैं, साथ साथ में वो मिनिस्टर भी हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के. नेक्स्ट वन इज, हु लॉन्च द नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी पोषण ज्ञान बेस्ड ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. अब देखिए ये लॉन्च किसने किया, नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी है एक टाइप से ये ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए पोषण ज्ञान, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड. तो ये लॉन्च किसने की है, नीति आयोग ने. अब देखो नीति इसमें बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी. अब नीति आयोग जो है इसने इसको लॉन्च किया, और नीति आयोग की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 2015 में, और नीति आयोग के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेक्स्ट वन इज, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर कॉल नैनो स्निफर. अब देखो कौन से यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर. अब देखो ये जो डिटेक्टर है जिसको नैनो स्निफर बोला गया है, ये माइक्रो सेंसर बेस्ड है जो डिटेक्ट करेगा किस चीज़ को, एक्सप्लोसिव को, यानी कि विस्फोटक चीज़ों को ये डिटेक्ट करेगा. तो ये लॉन्च किया रमेश पोखरियाल निशंक ने. अब देखो ये जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के, ठीक है. नेक्स्ट वन इज, विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड द नेशनल ड्राइविंग रजिस्टर. अब देखो मिनिस्ट्री है जिसने स्टार्ट किया नेशनल ड्राइविंग रजिस्टर, तो ऑब्वियसली आपको नाम से पता लग रहा होगा कि नेशनल ड्राइविंग रजिस्टर कौन लॉन्च करेगा, कौन स्टार्ट करेगा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री. अब जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसको हैंडल कौन करते हैं, उसके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी. नेक्स्ट वन इज, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द वॉच फॉर द ब्लाइंड टू नो द टाइम. ठीक है, अब देखो एक इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की है एक घड़ी ब्लाइंड लोगों के लिए, ठीक है, ताकि वो टाइम का पता लगा पाए. अब वो किसने की है, कौन से इंस्टीट्यूट ने की है, आईआईटी कानपुर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने. अब देखो ये टच करके जो है, हाथ से टच करके जो ब्लाइंड लोग हैं वो इस वॉच को टच करके पता लगा पाएंगे कि क्या टाइम हुआ है.
Next one is, which union minister recently launched the diet revolution scheme? अब देखिए, आप डाइट से पता लगा सकते हैं कि डाइट से रिलेटेड एक स्कीम है, वो किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की है। तो ऑब्वियसली डाइट से रिलेटेड जो स्कीम है वो कौन लॉन्च करेगा? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो कौन है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिन्होंने इस डाइट रेवोल्यूशन स्कीम को लॉन्च किया। नेक्स्ट वन इज, विच सेंट्रल सेक्टर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन द नेशनल पंचायत डे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पंचायत डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। अब देखो, इस डे पे सेंटर ने एक स्कीम लॉन्च की थी। अब इस स्कीम को एक साल हो चुका है, लास्ट ईयर 2020 में स्कीम लॉन्च की गई थी, स्वामित्व स्कीम। तो ये स्कीम आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अप्रैल में 24 को एक साल कंप्लीट हो गया इस स्कीम को। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021? अब देखो, इंडिया की रैंक क्या है जो अभी रिलीज हुई है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, 2021, उसमें इंडिया की रैंक जो है वो है 87 रैंक, और इसमें टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो थी 115, और जो फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है वो है स्वीडन, और सेकंड पे है नॉर्वे। तो देखो, आपको इसमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंडिया का रैंक है 87, 115 टोटल कंट्रीज है, फर्स्ट रैंक है स्वीडन का और सेकेंड वन इज नॉर्वे। अब ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 1971 में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो था वो बना था, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री, इंडिया स्टूड ऑन विच प्लेस इन द मिलिट्री स्पेंडिंग इन द ईयर 2020? अब देखो, ये जो सिप्री है इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, ठीक है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया जो है वो टोटल कितना खर्चा करता है अपनी मिलिट्री पे, ठीक है। तो 2020 के ईयर का खर्चा इसमें बताया गया उस रिपोर्ट में, तो इंडिया की पोजीशन कितनी है ये पूछा गया, तो इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे है सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इंडिया थर्ड पोजीशन में खर्चा करता है मिलिट्री में, और फर्स्ट पे है अमेरिका, सेकेंड वन इज चाइना। तो यानी कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो करता है वो करता है अमेरिका, सेकेंड पे चाइना एंड थर्ड पे इंडिया। अब सिप्री की देखो फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1966 में, और सोलना स्वीडन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो 19 क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। तो इंडिया का रैंक है 142, और इसमें इन्वॉल्व हैं टोटल 180 कंट्रीज, जिसमें इंडिया का रैंक है 142। अब इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो रिलीज किया जाता है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट डायमंड माइन हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस? तो देखो, इंडिया की लार्जेस्ट डायमंड माइन जो है वो पाई गई है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। तो देखो, अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में है, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई बाय गवर्नमेंट, लेकिन ये मतलब माना जा रहा है कि ये जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट डायमंड माइन पाई गई छतरपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चरल बेस्ड सोलर पावर प्लांट हैज बीन सेट अप? अब देखिए, हमारी कंट्री का फर्स्ट ऐसा पावर प्लांट बन रहा है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही बनाया जा रहा है। तो फर्स्ट हमारी कंट्री में जो स्टेट ये सेटअप कर रही है ये सोलर पावर प्लांट, तो वो कर रही है राजस्थान। नेक्स्ट वन इज, विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गिव मंथली स्कॉलरशिप टू
स्कूल स्टूडेंट्स। अब देखो, स्कूल में मंथली स्कॉलरशिप तो दी जाती थी, लेकिन मंथली नहीं दी जाती थी, यानी कि ईयरली स्कॉलरशिप दी जाती थी या कुछ टाइम के बाद स्कॉलरशिप दी जाती थी। लेकिन अब मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो वो कौन सी फर्स्ट स्टेट बन गई है जो मंथली स्कॉलरशिप देगी स्कूल स्टूडेंट्स को? तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट वन इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट विल बी सेटअप इन विच स्टेट? अब देखो, इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम बैटरी प्लांट बन रहा है, यानी कि लिथियम बैटरी की वहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये सेटअप कहाँ, कौन सी स्टेट में किया जा रहा है? कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड फिल्म स्टार सोनू सूद एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन? अब देखो, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने रिसेंटली सोनू सूद, जो कि फिल्म स्टार हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन का? अब देखिए, सोनू सूद बिलोंग करते हैं पंजाब से, वो पंजाब के मोगा से हैं, तो ऑब्वियसली पंजाब ने ही उनको क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन का। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो देखो, चेयरमैन बनाए गए हैं रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और वो बनाया गया है संजीव कुमार को। अब ये जो संजीव कुमार हैं, ये 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1995 1 अप्रैल को, ठीक है। तो देखिए, अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज विद उनकी थीम्स। तो देखो, नेशनल मैरिटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 अप्रैल को, ठीक है। और देखो, अभी इसका रिसेंटली 58th एडिशन जो है नेशनल मैरिटाइम डे का सेलिब्रेट किया गया 2021 में, और इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस सेलिब्रेट किया जाता है 5 अप्रैल को। अब यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस ये डिक्लेयर किया है 5 अप्रैल, और इसकी थीम थी लेट्स कॉन्साइंस लाइट अप आर वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को, और इसकी थीम थी बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को, और इसकी थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड पार्किंसंस डे, तो पार्किंसंस डे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को। अब ये जो पार्किंसन डिजीज है, ये ब्रेन से रिलेटेड एक डिजीज है, यानी कि इसमें एक टाइप से नर्व सेल डैमेज हो जाता है पार्किंसंस डिजीज में। और नेशनल सेफ मदरहुड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को। तो ये दोनों जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं 11 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड वॉइस डे, तो वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अप्रैल को, और इसकी थीम है वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को, और इसकी थीम है कॉम्प्लेक्स पास डाइवर्स फ्यूचर्स। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड लीवर डे, तो वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 अप्रैल को। और नेशनल सिविल सर्विसेज डे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को, और वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को, और इसकी थीम है रिस्टोर आर अर्थ। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बुक डे, तो वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को, इसकी थीम है शेयर अ स्टोरी। क्या थीम है वर्ल्ड बुक डे की? शेयर अ स्टोरी। तो नेक्स्ट वन इज नेशनल पंचायती राज डे, तो देखो हमारे इंडिया में पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड मलेरिया डे, तो वर्ल्ड में जो मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल को, और इसकी थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट।
इसकी थीम आप याद रखिए, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डांस डे। तो इंटरनेशनल डांस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 29 अप्रैल को, और इसकी थीम थी पर्पस ऑफ डांस। तो नेक्स्ट वन इज आयुष्मान भारत दिवस, सेलिब्रेट किया जाता है 30 अप्रैल को, और आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी बाय नरेंद्र मोदी जी 2018 में। नेक्स्ट वन इज बेंजामिन नेतन्याहू इज सेट अप टू फॉर्म गवर्नमेंट इन विच कंट्री। तो देखो, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करेंगे इसराइल में, और इसराइल में इलेक्शन हुए थे अभी रिसेंटली, जहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं बन पाया, तो फिर प्रेसिडेंट जो थे इसराइल के उन्होंने नॉमिनेट किया बेंजामिन नेतन्याहू को, जो कि पहले जो थे प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, और वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करेंगे 28 डेज के अंदर अंदर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट अंडर पीएम कुसुम स्कीम। तो देखो, पीएम कुसुम स्कीम के अंडर जो है वो सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है किसी स्टेट में, और ये फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए बनाया जा रहा है राजस्थान में। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट प्रोग्राम। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, और इसका पर्पस क्या है, रिड्यूस करना रिस्क ऑफ डायबिटीज और प्रोवाइड करना सभी लोगों को जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको अफोर्डेबल और इक्विटेबल क्वालिटी ट्रीटमेंट और प्रॉपर केयर। और ये किसने लॉन्च किया ये प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर विद विच कंट्री। तो देखो, इंडिया जो है उसने अभी एक पार्टनरशिप की है वाटर सेक्टर में, कौन सी कंट्री के साथ, तो इंडिया ने ये जो पार्टनरशिप है ये स्टार्ट की है नीदरलैंड्स के साथ, और नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टरडैम। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो देखो, ये जो नेस्कॉम है इसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनाई गई हैं, अपॉइंट की गई हैं, और वो कौन है, रेखा एम मैनन। अब देखो, ये जो नेस्कॉम है इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। तो नेक्स्ट वन इज वेयर विल द मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 बी हेल्ड। अब देखो, जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2023 वो होगी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, और उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। अब इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं लॉसेन स्विट्जरलैंड में, उस इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उमर क्रैमलव, जिन्होंने अनाउंसमेंट की है ये अभी रिसेंटली कि जो मेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है वो उज्बेकिस्तान में होगी। अब ये जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उमर क्रैमलव, वो रशियन हैं। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु विल बी गिवन द थर्ड 30th जी डी बिरला अवार्ड। अब देखो, 30th जी डी बिरला अवार्ड जो है वो दिया गया सुमन चक्रवर्ती को, और ये जो जी डी बिरला अवार्ड है ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है, चाहे आप किसी भी साइंस की फील्ड से क्यों ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग साइंस, मेडिकल साइंस, ठीक है। तो ये जो सुमन चक्रवर्ती हैं जिनको ये जी डी बिरला अवार्ड दिया गया, ये प्रोफेसर हैं IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। अब यानी कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में प्रोफेसर हैं जिनको ये जी डी बिरला अवार्ड दिया गया रिसेंटली। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडवी। अब देखो, ये जो सिडवी है इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया एस रमन को, ठीक है। तो सिडबी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सिडबी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं लखनऊ यूपी में, और सिडबी की फॉर्मेशन हुई थी 1990 में। नेक्स्ट वन इज हु वाज क्रिएटेड द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो। अब वीवो के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली को, और वीवो की जो को फाउंड किया गया था, वीवो की जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 2009 में, और इसका रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया विराट कोहली को। नेक्स्ट वन इज
जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा। अब नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा के अभी डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं सिद्धार्थ लॉन्गजम। ठीक है, अब ये जो सिद्धार्थ लॉन्गजम हैं ये आईएएस ऑफिसर हैं और नाडा के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं न्यू दिल्ली में। और नाडा की फॉर्मेशन कब हुई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाडा की फॉर्मेशन हुई थी 2005 में, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की फॉर्मेशन हुई थी 2005 में और इसके अभी डायरेक्टर जनरल बनाया गया सिद्धार्थ लॉन्गजम को। तो फिर इसी के साथ आज का जो मेरा वीडियो था अप्रैल करंट अफेयर्स का, वो कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।